गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो डायरेक्ट फंडिंग जो करते हैं, वो आपको उसके बारे में आपका क्या ख्याल है फ्रॉम अ माइक्रो फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये कोई मुनासिब काम है करने के लिए कि अब कैश हैंडआउट्स एक तरह के लोगों को दी जाए? उसमें सबसे पहला जो इशू आता है ना जी, टारगेटिंग का आता है। और इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं ना, बेशक वो कितना भी अच्छा प्लान करें, जब टारगेटिंग की बात आती है तो बहुत दफ़ा वो उन तक नहीं पहुंचता जिन तक उसको पहुंचना चाहिए। तो सब्सिडी, डायरेक्टेड सब्सिडी, स्मार्ट सब्सिडी, जो भी आप उसको कहना चाहें, जब गुर्बत बढ़ती है तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा तरीका था जो मेक्सिको में भी इस्तेमाल हुआ था, पाकिस्तान में भी उन्होंने रेप्लिकेट किया था, कि बच्चों के थ्रू सब्सिडी दी जाए। यानी कि अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे। दैट इज़ अ मच बेटर वे, अ स्मार्टर वे ऑफ डूइंग द बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। क्योंकि उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो ये होगा कि बच्चे स्कूल जाएंगे, इनरोलमेंट ज़्यादा होगी, और दूसरा ये होगा कि उनके बच्चे गवर्नमेंट के स्कूल्स में जाते हैं तो इनडायरेक्ट आप टारगेटिंग भी कर लेंगे जो कम से कम आमदनी के लोग हैं। सो आपको फिर वो टारगेटिंग का जो इशू आता है ना, वो कम हो जाएगा। और इसकी मॉनिटरिंग जो है वो स्कूल करता है, वो इदारा नहीं करता जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगेन आप उसको ट्रांजैक्शनली जब सेपरेट करते हैं तो वो बेहतर तरीके से सब्सिडी पहुंच सकती है। क्वेश्चन ये है कि क्या सब्सिडी होनी चाहिए। आई थिंक रियासत का रोल टू प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट इज मच मोर मतलब कि वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें जिसके अंदर खुद जनरेट कर सकें, रादर देन के डायरेक्टली लोगों जी, को दिया वो जाए। भी। जी और दूसरा, हॉस्पिटल्स बिल्ड करें, बिल्ड सेफ्टी नेट थ्रू दैट। यही पैसा आप एजुकेशन पे लगा सकते हैं, यही पैसा आप लोगों की हेल्थ केयर पे लगा सकते हैं। तो द क्वेश्चन इज, हमारी तरजीहात क्या हैं, वॉट हम ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करना चाह रहे हैं या कि हम लोगों को डिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं। तो बहुत से और तरीके हैं सब्सिडी देने के, कुछ ये कि आप जाके इनकम ट्रांसफर, तो आपके ख्याल में दिस इज नॉट अ गुड मॉडल टू आई हैव सीन नॉट सीन इट वर्क वेल एनी वेयर इन द वर्ल्ड, एनी और नोवेयर इन द वर्ल्ड? आई हैव रेयरली सीन इट। मैंने ऐसे प्रोजेक्ट जरूर देखे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जी, है, ये स्कूल जहाँ पे इनडायरेक्ट सब्सिडी जाती है वो ज़्यादा मुनासिब रही है। कुछ ये कि आप डायरेक्ट सब्सिडी दें, खा या फिर आप उस तरह करें जिस तरह गवर्नमेंट करती है, विच इज़ व्हीट की प्राइसेस कंट्रोल करती है या पेट्रोल की प्राइसेस कंट्रोल करती है। बट अगेन वो जनरल सब्सिडी है, फिर वो मुझे भी उतना ही उसका इम्पैक्ट होता है जितना कि गरीब घर को होता है। वो तो हमें इस सो वक्त मुल्क में शायद बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, बिकॉज द रिच कीप गेटिंग रिचर, एंड बिल्कुल इसलिए वो तो टारगेटेड अगर सब्सिडी करनी है तो आई थिंक वी बोथ अग्री कि इट हैज़ टू बी टारगेटेड जी, एंड इट हैज़ टू बी डन स्मार्टली। डन स्मार्टली। तो आपकी अच्छा फाउंडेशन में बड़ा आपका वो फोकस एक हमेशा से रहा है वुमेन एम्पावरमेंट पे, पर वाई वुमेन एम्पावरमेंट इजंट द, आप हमेशा हमारी सोसाइटीज में तो मेल मेंबर को ही समझा जाता है कि ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। ऑफन मुझे लोग ये कहते हैं कि आप तो खुद डिस्क्रिमिनेट करिए, मगर इसकी एक वजह है जी, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जब गुर्बत की हम शरह को जाके नीचे से एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि 70% लोग जो गरीब हैं वो खवातीन हैं, क्योंकि उन्हीं के पास असासे नहीं हैं, उन्हीं के पास रसाई नहीं है, उन्हीं के पास एजुकेशन नहीं है, उन्हीं के पास मोबिलिटी नहीं है। तो अगर हम मुस्बत तब्दीली लाना चाह रहे हैं ना गुर्बत में, तो हमें सबसे पहले ख्वातीन को इकोनॉमिकली एम्पावर करना है, क्योंकि फिर हम एक सोसाइटी को एम्पावर कर रहे हैं, हम एक घर को एम्पावर कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप साथ साथ कर सकते हैं, दे इसका इम्पैक्ट जो है वो ट्रिपल इम्पैक्ट हो जाता है। आप ख्वातीन को भी एम्पावर करें, गुर्बत का भी खात्मा करें, और फ्यूचर जेनरेशन पर भी इम्पैक्ट लेकर। इसमें कोई आपको रेजिस्टेंस भी उनके घर के अंदर उनके घर के मर्दों से कोई फेस होती है कि जब आप औरतों को काम पे लगाती हैं ये ये एक मिथ है जो हम समझते हैं कि होता है कि मर्द हजरात जो हैं वो रिजिस्ट करेंगे। जब गुर्बत की बात आती है ना जी, खाने की बात आती है और ज़रूरत की बात आती है, और ये बात आती है कि मैं हम सब मिलके कमाएं और ज़रूरियात को पूरा करें, तो वो जेंडर की जो नॉर्म्स हैं वो बदल जाते हैं। लेकिन वो तब अप्लाई करते हैं जब औरत कमाना शुरू करती है कि उसकी आमदनी पे उसका कितना हक है। इधर आके फिर हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस नज़र आती है कि औरत कमा तो रही है लेकिन उसकी अपनी आमदनी का इस्तेमाल जो है वो फिर बहुत से केसेस में हजरात करते हैं। तो अभी हमने एक जेंडर प्रोग्राम भी शुरू किया है जहाँ पे हम मर्दों के साथ भी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं ताकि उनमें भी आगही पैदा हो, और ताकि राइट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो मर्द और औरतों दोनों में इस वक्त बराबर आप हो मर्दों सके। को बिल्कुल फाइनेंसिंग नहीं कर रही थ्रू द फाउंडेशन? हम फाइनेंस करते हैं हाउस होल्ड को, तो कुछ बिजनेसेस ऐसी होती हैं जो फैमिली रन होती हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, जूता बनाते हैं लोग घर में बैठकर, तो उसमें सारी फैमिली इन्वॉल्व होती है। तो अबाउट 50% ऑफ आर लोन्स आर फैमिली एंटरप्राइजेस जिसमें मर्द भी इन्वॉल्व होते हैं, और कोई 40% हैं जो ख़वातीन खुद से करती हैं, और 10% हैं जो सिर्फ मर्द करते हैं। सो इट वेरीज़,
लेकिन फैमिली एंटरप्राइजेज जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, हर एक का कोई, जिस तरह निम्को बनाने वाला है उसमें औरतें मर्द बच्चे सब इन्वॉल्व होते हैं, कोई और काम है जो घर पे हो रहा है वो सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके ख्याल में मेन ऑब्स्टिकल है क्या हमारे इस मुल्क में वुमेन एम्पावरमेंट में, व्हाट्स द मेन ऑब्स्टिकल? कल्चर है जी, हमारी अवेयरनेस है, एजुकेशन का लेवल है, हमारा मीडिया भी जो है इसमें पॉजिटिव रोल प्ले करने की उनको ज़रूरत है, टू एन एक्सटेंट हुआ भी है, बिकॉज 50% हमारी एंकर होस्ट आर फीमेल्स, तो वो सीइंग अ वुमन फेस चेंजेस थिंग्स, लेकिन इस पर अभी हमें बहुत आगाही करने की ज़रूरत है, हमें सबसे पहले अपने आप को अंदर से बदलने की ज़रूरत है और इन चीज़ों से हट के बात करने की ज़रूरत है कि इस वक्त हमारे रियल इशूज़ क्या हैं और उन रियल इशूज़ को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। ये जो आपकी फाउंडेशन है जिसमें इन माइक्रो फाइनेंस के अलावा भी अम्ब्रेला में बड़ा कुछ आप लोग इसमें कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे जी, क्या 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 होगा उसमें? हम सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल एजुकेशन का काम करते हैं, जेंडर ट्रेनिंग्स का काम करते हैं, सोशल थिएटर का काम करते हैं, हम सोशल अवेयरनेस सामाजिक आगाही के लिए थिएटर का इस्तेमाल बहुत करते हैं। आपको पता है ट्रेडिशनली बड़े सगीर में थिएटर जो था वो एक बहुत अहम कल्चर का हिस्सा था, तो हम लोकल थिएटर ग्रुप्स के साथ काम करते हैं, उनको सामाजिक इश्यूज के ऊपर जो है हम प्लेज बनाते हैं, मसलन बच्चियों की एजुकेशन हो गई, डाउरी हो गई, डाउरी डेथ्स हो गई, इस तरह के जो इश्यूज जो ख़वातीन की एम्पावरमेंट से लिंक होते हैं और जो हमारे लिए एक सामाजिक इश्यूज हैं बड़े बड़े, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तशद्दुद जो ख़वातीन पर होता है, इनके ऊपर हम फिर थिएटर करते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक एरिया है जिसको इंटरैक्टिव थिएटर कहते हैं, होता ये कि हम ऑडियंस के साथ मिलकर फिर स्टोरी लाइन डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक स्टोरी दिखाते हैं जिसमें 10 साल की बच्ची को बेच दिया गया है 40,000 के लिए और उसकी शादी 50 साल के बंदे से कर दी गई है और उसने 50,000 उसकी अखबारों में पढ़ा, एक्चुअली तो बड़ी रियल लाइफ की स्टोरी है, तो अखबारों में आए दिन ये कहानी पढ़ते रहते हैं। फिर हम ऑडियंस को टर्न ओवर कर देते हैं क्वेश्चन कि आप बताइए इसमें क्या होना चाहिए था, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, तो बहुत टाइम ऑडियंस आके फिर इंटरेक्ट करती है, फिर हम उस पर डिबेट करते हैं कि इसकी क्या वजूहत, व्हाट इज द रीज़न कि ये हुआ और ये सही है या गलत है, और अगर गलत है तो फिर हमें एज ए सोसाइटी क्या करने की जरूरत है। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू जी।